वलगाव रोडवरील जिल्हा परिषद अकॅडमिक उर्दू हायस्कूलमध्ये एका नवीन अभ्यासिकेचे आज उद्घाटन करण्यात आले. आमदार सुलभाताई खोडके याचबरोबर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहापात्रा तसेच संजय खोडके यांच्या हस्ते हे उद्घाटन पार पडलं. इल्म वेलफेअर सोसायटी तसेच सेवा असोसिएशन यांच्या सहकार्यानं या अभ्यासिकेची या शाळेमध्ये सुरुवात करण्यात आली. या अभ्यासिकेमुळे या परिसरातील तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांना खूप मोठी व्यवस्था, अभ्यासासाठी अनेक सुविधा, अभ्यासासाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे, ज्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना UPSC, MPSC आणि विविध सरकारी परीक्षांची तयारी ते या अभ्यासिकेत करू शकतील. विविध पुस्तकांबरोबरच या ठिकाणी ई लायब्ररी सुरू करण्याचा मानस देखील यावेळी संचालकांनी बोलून दाखवला. या कार्यक्रमाला शाळेतील सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विविध NGOचे, विविध संघटनांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी या अभ्यासिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून अभ्यासिकेचा योग्य तो लाभ घेऊन भविष्यात मोठ्या अधिकारी तयार होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या. आज के अमरावती शहर में पश्चिम विभाग में जो हमारे अकेडमी जिला परिषद के अकेडमी स्कूल है उसमें हमने डीपीडीसी में से 35 लाख का निधि लाया था. वो हमने 21-22 में मंजूर किया था. उसके बाद में ये जो हमारी स्कूल है यहाँ पे जो है हाई स्कूल का स्कूल चालू है, लेकिन इसके लिए हमने जूनियर का भी गवर्नमेंट के तरफ से मान्यता मिलने के लिए प्रस्ताव डाला है और यहाँ पे जूनियर चालू हो जाए. आगे जाके यहाँ पे कॉलेज भी यानी कनिष्ठ महाविद्यालय भी चालू करने का हमारा मकसद है. लेकिन हमारे जो बच्चे इस इलाके के बच्चे जो है अच्छा पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, इसके लिए हमने जो बच्चों की परिस्थिति बहुत गरीब है, पढ़ नहीं सकते, घर भी छोटा है, आदमी ज़्यादा रहते है, लेकिन इसके इसमें उनकी पढ़ाई होती नहीं, इसके लिए हमने ये लाइब्रेरी किया है, लाइब्रेरी चालू कर दिया. इसका आज का उद्घाटन हो गया और इसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ इस इलाके के जो बच्चे हैं वो IAS कैडर के यानी बनना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से छोटी मोटी नौकरियाँ मिलती है तो इसी वजह से लाइब्रेरी में बैठ के जो किताब है वो 2 लाख की किताब भी मैंने IPS UPSC के लिए जो किताब लगती है वो मैंने 2 लाख की दी है, आगे भी देने वाली हूँ. और यहाँ पे जो एक स्कूल मैंने समिति है मैंने संभालने की समिति है वो भी अच्छे से काम कर रही है. उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोशिश की और अच्छी लाइब्रेरी यहाँ बन गए और आगे जाके मुझे लगता है कि हमारा ये पश्चिम विभाग है अमरावती विधानसभा मतदार संघ में यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़े और आगे जाए, इसलिए ये हमने लाइब्रेरी बनाए. इसकी जरूर इस एरिया के बच्चे आगे जाएंगे, यही हमारा मकसद है. हमारा नाम अब्दुल राजीक हुसैन है, इल्म वेलफेयर सोसाइटी के हम सेक्रेटरी है. ये जो नावीन्यपूर्ण योजना अंतर्गत अभ्यासिका हमारे इस इलाके के अंदर पहली अभ्यासिका है, ये जो यहाँ शुरू की गई है ये मोहतरमा सुलभाताई खोड़के मैडम के प्रयास से शुरू की गई है और इल्म वेलफेयर सोसाइटी को जो है ये चलाने के लिए दी गई है और हमारे साथ जो है बहुत सारे NGOs हमको मदद करने के लिए आगे बढ़कर आए हैं. स्कूल बचाओ कमेटी जो है ये भी हमारी इस जो अभ्यासिका को चलाने के लिए मदद के लिए सामने आई है. सेवा एसोसिएशन जो है वो उन्होंने भी अपने कदम को आगे बढ़ाया है. हमारे समाज में बच्चे ऐसे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए उनको एक अच्छी जगह जो है उसकी तलाश थी तो इस इलाके के अंदर ऐसी जगह अभी तक कायम नहीं हुई थी. हम एक मरतबा मोहतरमा सुलभाताई खोड़के मैडम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाके के अंदर हमारे बच्चों की वो प्यास बुझाई जो हमारे बच्चों को शिद्दत से लगी हुई थी. हमारे बच्चे IAS IPS और दूसरे आला ओहदों पर जाना चाहते हैं, उसके लिए उनको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है और उसके लिए उनको पढ़ने की एक अच्छे जगह की ज़रूरत है. आज ये जगह अमरावती शहर के अंदर अवेलेबल हो गई है. हमें उम्मीद है कि इस जगह का बच्चे फ़ायदा उठाएंगे और फ़ायदा उठाकर जो है वो ऊँचे से ऊँचे ओहदे पर पहुँचेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे और समाज के और देश के काम में आएंगे. नमस्कार मंडळी, मी अतुल चव्हाण मंडल न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत करतो. अमरावतीच्या वलगाव रोडवरील जिल्हा परिषद अकॅडमिक शाळेमध्ये आज एक लायब्ररीचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे, अकॅडमिक सेंटरचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे. आमदार सुलभाताई खोडके, संजय खोडके, कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहापात्रा यांनी या अकॅडमिक सेंटरचं उद्घाटन केलं आणि आजपासून ही अकॅडमिक सेंटर, ही लायब्ररी इथल्या शाळेतील मुलांसाठी खुली झालेली आहे. अतिशय सुसज्ज अशी लायब्ररी असणार आहे ज्याच्यामध्ये हजारो पुस्तकं इथल्या ह्याच परिसरातील बऱ्याचशा मंडळींनी दान केलेली आहेत. ह्या पुस्तकांमुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांचा बराच फायदा होणार आहे. इतरही UPSC MPSC सरकारी विविध परीक्षांसाठी लागणारे सगळ्या पुस्तकं या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. एक अभ्यासिका इथं तयार होणार आहेत. या संदर्भात ज्या व्यक्तींनी पुस्तकं दान दिली त्यांच्याकडून आपण काही गोष्टी जाणून घेतल्या, या लायब्ररीच्या या शाळेच्या व्यवस्थापकांकडून आपण जाणून घेतलं. माझं नाम नाझिमा बिंत शब्बीर बेग आहे.
मैं पेशे से मौलिम हूँ और आज मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज जिस मकाम पर खड़ा किया है वो मेरे वालिदैन के बाद मेरे असातिज़ा की मेहनत है। और जिस तरह मुझे असातिज़ा मिले थे, मैं चाहूँगी कि मैं भी एक ऐसी ही उस्ताद बनूँ जो मुल्क कौम के लिए खिदमत करे। और ये जज्बा मुझ में शुरू से है कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ और लिखने का जो आदत है मुझ में वो शुरू से है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे शहर का हर बच्चा एक ISP बने, UPSC बने, नेट सेट पास करे और जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स रहते हैं वो पास करे और मुकाबला जाती इम्तहान में मुल्क में सफ़े अव्वल पर हमारी कौम रहे। क्योंकि हमारा अगर कायद आज़म सही रहेगा तो हमारी मुल्की इक्तसादी माशी समाजी सियासी तमाम हल मसले मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और ये जो किताबें हमारे पास आई हैं तो 2800 किताबें आज से 2 महीने पहले मेरे पास हाफिज़ वली अहमद ख़ान साहब जो है गुजरात अहमदाबाद से तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने मुझे यहाँ पर 2800 बुक्स दिए थे। तो मैंने उसमें से 2000 बुक्स अपनी महानगर पालिका के स्कूलों में दिया है और 500-600 बुक्स यहाँ की दिया है, लेकिन उसमें 300 किताबें मेरी खुद की खरीदी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी मेरे घर में इस्लामिक लाइब्रेरी है और मैंने जो किताब शाया की है मेरे आईने गुफ्तार में, तो वो किताब मैं समझती हूँ कि एक मौलिम का दर्द है, एक जो बच्चा किताब नहीं पढ़ता उसका दर्द है, एक कलम वाला जिसकी कलम नहीं बिकती उसका दर्द है, एक बुक फरोश जिसकी किताबें आजकल नहीं बिक रही है उसका दर्द है। वो किताब भी आप पढ़े। मैंने जो सपना देखा था कि मेरे शहर में एक किताब घर हो, तो मैं समझती हूँ कि उस ख्वाब की तामीर, उस ख्वाब की तकमील मेरे आज से होना शुरू हो गई है। अगर आप मेरी किताब देखेंगे तो उसमें किताब घर एक ड्रामा है, तो उसमें जो मैंने सजेस्ट पेश किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे सब यहाँ नज़र आ रहा है। और अभी राजिक अब्दुल हुसैन साहब ने जो बात की है कि शहर में पार्क होना चाहिए, लाइब्रेरी पार्क, तो मैं समझती हूँ ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहें, ये एक पैगाम है एक मौलिम का, मेरा तो नहीं है लेकिन हम सब मौलिम हैं। और मैं समझती हूँ कि इस शहर के नहीं तमाम मौलिम की ये जिम्मेदारी है, हमारे जितने भी मौलिम हैं, कि हमारे माशरे का मतलब जो मेन किरदार है कायदे आज़म है वो मीरे कारवा है, तो हमें अब इसकी बागडोर संभालना है। और मोबाइल से बच्चे किस तरीके से दूर हो सकते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा ज़रिया है किताब। तो किताब बांटने वाले बहुत हो गए हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ख़रीदने वाला कोई नहीं है। नेशनल बुक स्टॉल पर मेरी मुलाकात हुई साहब से, बुक फरोश से, उन्होंने कहा है कि मैडम आपको जितनी लगती लेकर चले जाइए, कोई किताब वाला लेने वाला नहीं है। फारूकी बुक डिपो जो कि हमारे शहर का वो सबसे पुराना है और मेरा बचपन से मैं वहाँ किताबें ख़रीदती हूँ। मैंने अपने जैसा जब मैं 20 साल से मैंने अपने बच्चों को ज़्यादातर उर्दू हिंदी मराठी की लुगत ही दी है, तो मैं वहाँ से हमेशा मैं एक उनका फर्स्ट कस्टमर रही हूँ। लेकिन जब मैंने किताबों के लिए उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैडम अब शहर में किताबें नहीं बिक रही है। कुछ मुझे रिसर्च के लिए बीच में किताबें लगी तो हमने मेरी एक सहेलियाँ भी उन्होंने भी किताबें देखा है तो हिंदुस्तान के बहुत सारी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद नहीं हैं और है भी तो धूल खाते में पड़ी है, किताबें झाँकती है बंद खिड़कियों की अलमारियों से। तो हमें चाहिए कि उनको झाँकने का मौका ना दिया जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि ये लाइब्रेरी जो बनी है यहाँ पर हमको कोई मजदूर नहीं लगना चाहिए, कोई मजदूर नहीं लगना चाहिए कि वो आए और वो मजदूर इसकी सफाई करे। मैं अगर आऊँ तो मेरी ये जिम्मेदारी है, अगर कपड़ा है तो मैं अलमारी साफ़ करूँ और वहाँ से जो किताब मुझे लगती है मैं वो पढ़ूँ और दूसरों को तरगीब दूँ। और उसके अलावा जब मेरी किताब पढ़ना हो जाए मैं उसकी जगह पर ला के रखूँ। किताबों की सफाई अलमारी से लेके तो इस सब की जिम्मेदारी हम सब की है। तो उर्दू को सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि महानगर पालिका की स्कूलों को फ़रोग दें।